हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने जो आपकी क्लास है ट्वेल्थ, इसका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर बायोलॉजी। अपने उसका लेसन नंबर फर्स्ट कर रहे थे, ठीक है, जिसका नाम है पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग। आज अपने इस लेसन का पार्ट नंबर 10th करेंगे। ये लास्ट पार्ट है इस लेसन का, इसके साथ ही आपका जो फर्स्ट लेसन है ये कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। अपना इसमें एक टॉपिक रह गया था, कौन सा टॉपिक रह गया था? आवर्ती चयन का लास्ट प्रकार अपना रह गया था व्युत्क्रम आवर्ती चयन। व्युत्क्रम आवर्ती चयन, इससे पहले अपने जो पार्ट 8 और पार्ट 9 था उसके अंदर अपने आवर्ती चयन के जो पहले वाले तीन प्रकार हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए थे। जो व्युत्क्रम आवर्ती चयन है इसके बारे में कॉमस्टॉक, रॉबिन्सन व हार्वे ने बताया था, ठीक है। तीन वैज्ञानिक हैं, कौन से हैं? कॉमस्टॉक, रॉबिन्सन व हार्वे, ये तीन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने व्युत्क्रम आवर्ती चयन के बारे में बताया था, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं कि व्युत्क्रम आवर्ती चयन किस प्रकार होता है, इसके द्वारा अपने किस प्रकार नई किस्मों का विकास करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे साफ कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा इसका फ्लो चार्ट है। इसमें क्या होगा कि अपने पास दो मूल समष्टियाँ होंगी। फर्स्ट ये हो जाएगी मूल समष्टि ए, ठीक है, इसमें ये प्लांट है इस प्रकार, ये मान लो अपने ये प्लांट है, ठीक है। दूसरी होगी मूल समष्टि बी, मूल समष्टि वो ए थी, ये बी, इसके अंदर मान लो ये प्लांट है, ठीक है। अब अपने करना क्या है, जो अपना प्रथम वर्ष है, पहले साल अपने क्या करेंगे कि मूल समष्टि ए में से उत्तम लक्षणों वाले पौधों का अपने चयन कर लेंगे। मान लो अपने इन तीन पौधों का चयन कर लिया, मूल समष्टि ए में से अपने उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन कर लेंगे और इनमें अपने स्व परागण करवाएंगे, ठीक है, जैसा आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा होगा। मतलब इस पौधों के जो परागकण हैं उनको अपने इसी पौधों के जो पुष्प हैं उनके वर्तिकागर के ऊपर छिड़क देना है। कि सबसे पहले अपने क्या करना है, प्रथम वर्ष जो मूल समष्टि ए है इसमें से आपने उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन करना है और उनमें स्व परागण करवाना है। इसके साथ ही अपने क्या करना है कि इन पौधों के जो परागकण हैं उनको आपने जो मूल समष्टि के कुछ पौधे हैं, मान लो ये दो तीन पौधे हैं, इनके ऊपर भी छिड़क देना है। मतलब इन पौधों के परागकणों का आपने दो तरह से उपयोग करना है। पहला तो इनका आपने स्व परागण भी करवाना है, ठीक है। दूसरा इन पौधों के परागकणों को आपने मूल समष्टि के जो मूल समष्टि बी है इन पौधों के जो पुष्प हैं उनके ऊपर छिड़कना है, ठीक है। मतलब ये एक नंबर प्लांट था, ये दो नंबर प्लांट था, ये तीन नंबर प्लांट था। एक नंबर पौधे के परागकणों को आपने इस पौधे के ऊपर छिड़का, दो नंबर जो पौधा था उसके परागकणों को आपने दो नंबर पर छिड़का, तीन नंबर को तीन नंबर पर छिड़का, ठीक है। फिर अपने क्या करना है, इधर जो मूल समष्टि बी है इसमें से भी आपने उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन करना है, ठीक है। मान लो अपने इन तीन पौधों का चयन कर लिया नीचे वाले, ठीक है, इन तीन पौधों का आपने चयन कर लिया, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी और इसे नाम दे दिया आपने सी। इनके साथ भी दो काम करने हैं। पहला तो आपने इन पौधों में स्व परागण करवाना है, ठीक है। पहला आपने क्या करना है, इन पौधों में स्व परागण करवाना है। स्व परागण करवा दिया, फिर आपने क्या करना है, इन पौधों से कुछ परागकण लेने हैं और उनको मूल समष्टि ए के कुछ पौधों के ऊपर छिड़क देना है। मतलब ये मान लो अपने पौधे सेलेक्ट कर लिए मूल समष्टि ए के, तीन पौधे ए बी और सी, ए पौधे के परागकणों को आपने ए पौधे
के वर्ती कागज पर छिड़क दिया, बी पौधे के परागकणों को आपने बी पौधे के ऊपर छिड़का है, और सी नंबर प्लांट है इसके परागकणों को आपने मूल समष्टि ए का जो पौधा है सी इसके ऊपर छिड़क दिया। मतलब दोनों समष्टियों के जो पौधे हैं उनके साथ आपने दो दो काम करने हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मूल समष्टि जो ए है इसमें से उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन करना है। इन पौधों का आपने सौ परागण करवाना है। सौ परागण करवाने के पश्चात इनके परागकणों को आपने मूल समष्टि बी के अन्य पौधों के ऊपर छिड़क देना है। कुछ पौधों के ऊपर आपने छिड़क देना है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर नाम दे दिया था, ये एक नंबर प्लांट था, एक नंबर प्लांट के परागकणों को आपने एक नंबर पौधे के ऊपर छिड़क दिया। दो नंबर जो प्लांट है इसके परागकणों को आपने दो नंबर पौधे के ऊपर छिड़क दिया, ठीक है। इस प्रकार करना है। फिर मूल समष्टि बी के साथ भी आपने यही काम करना है कि मूल समष्टि बी में से आपने उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन करना है, उनमें सौ परागण करवाना है, और उनके परागकणों को आपने जो मूल समष्टि ए के पौधे हैं उनके ऊपर छिड़कना है। मतलब आपने इन पौधों को ए बी सी नाम दिया था, तो ए बी सी पौधे के परागकणों को आपने जो मूल समष्टि ए है इसमें जो अपने पौधे छांटे हैं ए बी सी उनके ऊपर छिड़क देना है, ठीक है। फिर आएगा अपना दूसरा वर्ष, सेकंड ईयर। दूसरे वर्ष में अपने क्या करेंगे, दूसरे वर्ष में अपने पास दो प्रकार के बीज प्राप्त होंगे, ठीक है, हर समष्टि में से। मतलब एक तो इस पौधे के सौ परागण से जो बीज प्राप्त हुए हैं, ठीक है, एक तो इस पौधे के जो सौ परागण से बीज प्राप्त हुए हैं उनको आपने कुछ नहीं करना, उनको आपने घर में स्टोर कर लेना है अलग अलग। मतलब एक नंबर पौधे के ये बीज हैं इसको अपने घर पर स्टोर कर लिया, दो नंबर पौधे के ये बीज हैं इसको अपने घर पर स्टोर कर लिया, और तीन नंबर पौधे के ये बीज हैं इसको अपने घर पर स्टोर कर लिया। ये कौन से बीज हैं जो इनके सौ परागण से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर जब अपने इन पौधों के साथ क्रॉस करवाया था, ठीक है, इनसे तो अपने परागकण ही लिए थे, लेकिन अपने को बीज किन से मिलेंगे, इनसे मिलेंगे। इन पौधों से जो अपने को बीज मिलेंगे तो उनके जनक कौन होंगे, उनके नर जनक तो होंगे ये प्लांट, और मादा जनक कौन से होंगे, ये प्लांट। मादा जनक क्यों होंगे, क्योंकि इन पौधों पर बीज बने हैं, और ये नर जनक क्यों हैं, क्योंकि इनसे अपने परागकण लिए हैं। तो जो ये बीज मिलेंगे ना अपने को, इन बीजों को अपने दूसरे साल उगाना है इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है। यहां पर कौन से बीज हैं जो अपने इस एक नंबर प्लांट और इस एक नंबर प्लांट में अपने क्रॉस करवाने से प्राप्त हुए हैं, यहां पर कौन से बीज हैं जो अपने को दो नंबर प्लांट में आपस में क्रॉस करवाने से प्राप्त हुए हैं, यहां पर जो अपने तीन नंबर पौधे में अपने क्रॉस करवाया था। सौ परागण वाले बीज इनके ये रहे, और इनमें जो क्रॉस करवाने से बीज मिले हैं उनको अपने दूसरे साल खेत में बोया है और उनका आपने उपज परीक्षण किया है, और यही अपने करना है मूल समष्टि बी के साथ कि मूल समष्टि बी के ये उत्तम पौधे थे ए बी और सी। ए बी और सी पौधों से जो सौ परागण होने से अपने को बीज प्राप्त हुए थे उनको अपने घर पर स्टोर कर लेना है, ठीक है। ये मान लो ए पौधे के सौ परागण वाले बीज हैं, ये बी पौधे के सौ परागण वाले बीज हैं, और ये सी पौधे के सौ परागण वाले बीज हैं। अब अपने क्रॉस भी करवाया था, इन दो प्लांट में क्रॉस करवाया था, इन दो में क्रॉस करवाया था, और इन दो में क्रॉस करवाया था, और इनके बीजों को आपने दूसरे साल खेत में बो लेना है, और कौन सा परीक्षण करना है, उपज परीक्षण। मतलब यहाँ पर कौन से पौधे हैं, जो ये भी ए पौधा था और ये भी ए पौधा था, इनमें क्रॉस करवाने से आए थे, इसमें कौन से पौधे हैं जो ये बी और ये बी इन दोनों पौधों में क्रॉस करवाने से प्राप्त हुए थे, और इसमें कौन से पौधे हैं जो ये वाला सी और ये वाला सी इन दो पौधों में अपने को क्रॉस करवाने से प्राप्त हुए थे। तो दूसरे साल अपने कौन सा परीक्षण करना है, उपज परीक्षण करना है, ठीक है। उपज परीक्षण में अपने देखेंगे कि कौन सी संततियां अच्छी हैं, मतलब किन संततियों की उपज ज़्यादा है। मान लो यहाँ पर ये जो दो नंबर वाली संतति है और जो तीन नंबर वाली संतति है इनकी उपज ज़्यादा है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ठीक है। और जो ए नंबर संतति है
और जो बी नंबर संतति है इनकी उपज ज़्यादा है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो अपने तीसरे साल क्या करेंगे, जो तीसरा साल होगा अपने, तीसरे साल अपने उन बीजों को बोएंगे जो दो नंबर और तीन नंबर पौधे के सौ परागण वाले बीज हैं। सौ परागण वाले बीज अपने पास अलग थे, तो दूसरे तीसरे साल अपने उन पौधों के बीजों को बोएंगे जिनकी संततियों ने उपज परीक्षण में ज़्यादा उपज दी थी। तो ज़्यादा उपज किसकी थी, एक तो दो नंबर पौधे की और तीन नंबर पौधे की। दो नंबर और तीन नंबर पौधे के जो सौ परागण वाले बीज हैं वो अपने पास घर पर हैं, तो तीसरे साल अपने इन बीजों को अपने खेत में बोएंगे। कौन से साल, तीसरे साल, ठीक है। तो इनसे अपने उगाएंगे एकल पादप संततियां इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर कौन से हैं, सिर्फ दो और तीन नंबर पौधे में जो सौ परागण करवाने से बीज प्राप्त हुए थे सिर्फ अपने उनको बोया है, एक नंबर पौधे के बीज यहाँ पर नहीं है। उसी प्रकार अपने करेंगे इधर कि उपज किसकी ज़्यादा है, ए और बी पौधे, बी पौधे की। सी पौधे की उपज कम है, तो अपने क्या करेंगे, जो ए पौधे के सौ परागण से बीज प्राप्त हुए थे और बी पौधे के सौ परागण से बीज प्राप्त हुए थे उनसे अपने एकल पादप संततियां उगा लेंगे। उगा ली इन संततियों में अपने, जैसा आपने पीछे पढ़ा था लेक्चर नंबर 9 के अंदर, इन संततियों में अपने सभी संभव क्रॉस करवाएंगे, जितने भी इनमें आपस में सभी संभव क्रॉस हो सकते हैं, जितने भी आपस में संभव क्रॉस हो सकते हैं वो इनमें सभी संभव क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। फिर इनसे अपने बराबर मात्रा में बीज लेंगे। मान लो अपने इस लाइन में से 10 बीज लिए हैं तो 10 ही बीज यहाँ से लेंगे, 10 यहाँ से लेंगे, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 बराबर मात्रा में बीज लेने हैं हर क्यारी में से। जो बराबर मात्रा में अपने बीज लेंगे यहाँ से और यहाँ से, उन बीजों को मिक्स कर लेना है, मतलब इन बीजों को आपस में मिक्स कर लिया और इन बीजों को आपस में मिक्स कर लिया, ठीक है। मिक्स करके उनको जो चौथा साल होगा, चौथे साल फिर खेत के अंदर बो देना है इसी प्रकार, ठीक है। और इन बीजों को भी मिक्स करके आपस में चौथे साल फिर खेत के अंदर बो देना है, ठीक है। और यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है, और कब तक करना है, जब तक अपने को वांछित किस्म नहीं प्राप्त हो जाएगी। दोबारा फिर रिपीट करते हैं अपने कि पहले साल अपने क्या किया था कि अपने पास दो समष्टियाँ थी, मूल समष्टि ए और मूल समष्टि बी। मूल समष्टि ए में से अपने उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन किया था और मूल समष्टि बी में से भी आपने उत्तम लक्षणों वाले पौधों का चयन किया था। सभी जो उत्तम लक्षणों वाले पौधे हैं ए समष्टि और बी समष्टि के, उनमें आपस में सौ परागण करवाया था। फिर अपने क्या किया था कि जो मूल समष्टि ए के जो उत्तम लक्षणों वाले पौधे थे उनके परागकणों को आपने मूल समष्टि के, मूल समष्टि बी के कुछ पौधों के ऊपर आपने छिड़का था, मतलब इनके साथ उनका क्रॉस करवाया था। और उसी प्रकार इधर कि जो मूल समष्टि बी के उत्तम लक्षणों वाले पौधे थे उनके परागकणों का आपने मूल समष्टि ए के कुछ पौधों के साथ क्रॉस करवाया था, ठीक है। फिर दूसरे साल क्या होगा कि जो क्रॉस करवाने से बीज प्राप्त हुए हैं, जो क्रॉस करवाने से बीज प्राप्त हुए हैं दूसरे साल अपने उनको बोना है, जो अपने को सौ परागण से बीज प्राप्त हुए हैं उनको अपने घर पर स्टोर करना है अलग अलग। फिर क्रॉस करवाने से जो बीज प्राप्त हुए थे उनको अपने यहाँ पर बो लिया और इनका अपने कौन सा परीक्षण किया, उपज परीक्षण। तो देखा कि कौन से पौधों की जो उपज है वो ज़्यादा अच्छी है, तो उपज अच्छी थी दो नंबर प्लांट की और तीन नंबर प्लांट की। तो दो और तीन नंबर प्लांट के जो सौ परागण करवाने से बीज प्राप्त हुए थे उनसे आपने तीसरे साल एकल पादप संततियां उगा ली। और उसी प्रकार यहाँ पर कि ए और बी नंबर पौधे की उपज ज़्यादा थी, तो ए और बी जो दो पौधे हैं इनके जो सौ परागण वाले बीज थे उनसे आपने तीसरे साल एकल पादप संततियां उगा ली, ठीक है। उनमें आपने सभी संभव क्रॉस करवाए, बाद में उनसे बराबर मात्रा में बीज लिए, उनको आपस में मिक्स किया और चौथे साल फिर आपने खेत में बो दिया और फिर आपने वही प्रोसेस दोबारा रिपीट कर दिया। कौन सा, पहले साल वाला। यही साइकिल बार बार आपने रिपीट करना है और कब तक करना है, जब तक अपने को वांछित किस्म नहीं प्राप्त हो जाती, ठीक है। तो यही था आपका व्युत्क्रम आवृत्ति चयन। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 8 नंबर का ये लेसन है, इसमें से आपका जो वार्षिक पेपर होते हैं उस वार्षिक पेपर में एक तो आएगी ये प्रजनन की विधि, कोई मर्जी आ जाए, ठीक है, और बाकी आएंगे छोटे क्वेश्चन आधे नंबर के, एक नंबर के या जो भी है। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, दो छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो
काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लेसन है। तो अपने आज था पार्ट 10 किया है लेसन फर्स्ट का, पार्ट 10 और 10 पार्टों के अंदर जो आपका काफ़ी बड़ा लेसन था ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे किसी नए लेसन के साथ। थैंक यू।